हेलो स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। आई एम योर इंग्लिश टीचर मोहम्मद फरीद फ्रॉम गवर्नमेंट बॉयज प्राइमरी स्कूल टंगडार, जुम टंगडार। वी आर रीडिंग इंग्लिश 8th क्लास। वी हैव कंप्लीटेड ए लेसन। टुडे वी हैव टू स्टार्ट ए न्यू लेसन। इट इज आल्सो ए पोएम, द बेंगल सेलर्स, यानी चूड़ियां बेचने वाले। तो लेट्स स्टार्ट। पेज नंबर 56। द बेंगल सेलर्स कैरी लोड्स ऑफ बेंगल्स टू सेल एट द फेयर्स। द बेंगल्स आर delicates, bright and colorful ornaments which add to the beauty of their bearers and serve different purposes on different occasions. As a woman passes through the different stages of her life, from childhood to old age, the color and design of her bangles also change accordingly. बहुत अच्छी बात कहते हैं। चूड़ियाँ बेचने वाले मेलों में बेचने के लिए ढेर सारी चूड़ियाँ लेकर जाते हैं, यानी बहुत सारी चूड़ियाँ लेकर जाते हैं। चूड़ियाँ नाजुक, चमकीली और रंग बिरंगे गहने होती हैं, यानी ऑर्नामेंट्स, जो कि पहनने वाले की खूबसूरती को बढ़ा देती हैं। ये मुख्तलिफ मौक़ों पर मुख्तलिफ अगराज को पूरा करती हैं। जैसे जैसे एक खातून या एक औरत अपनी ज़िंदगी के मुख्तलिफ पड़ाव, बचपन से लेकर बुढ़ापे तक से गुज़रती है, यानी मुख्तलिफ स्टेज से गुज़रती है, उसकी चूड़ियों के रंग और डिज़ाइन भी उनके मुताबिक बदलते रहते हैं। ये तजर्बे की बात बताई। जैसे छोटी बच्चियां होती हैं, उनकी चूड़ियों के डिज़ाइन और रंग अलग होते हैं, और जैसे बच्चियां बड़ी हो जाती हैं, उनके रंग उनकी उम्र के हिसाब से तब्दील हो जाते हैं, और जब औरत अधेड़पन को पहुंच जाती है या बूढ़ी हो जाती है, तो उसकी चूड़ियों के डिज़ाइन और रंग भी उसकी उम्र के साथ तब्दील होते रहते हैं। लेट्स स्टार्ट। बेंगल सेलर्स आर वी हु बेयर आवर शाइनिंग लोड्स टू द टेम्पल फेयर। हु विल बाय दीज डेलिकेट ब्राइट रेनबो टिंटेड सर्कल्स ऑफ लाइट lustrous tokens of radiant lives for happy daughters and happy wives. हम चूड़ियां बेचने वाले हैं, जो उठाकर ले जाते हैं अपने चमकीले भोजों को, ढेरों को मंदिर के मेले में।
कौन खरीदेगा ये नाजुक चमकीले कौस कज़ा के रंगों में रंगे रोशनी के दायरे चमकीली निशानियाँ चिराग नुमा जिंदगियों की शादमा बेटियों और शादमा बीवियों की यानी खुश बेटियों और खुश बीवियों की। तो आज हम इतना ही पढ़ेंगे। शुक्रिया। वसलाम।